ये भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में बलिदान को सम्मान करने की परंपरा है। शहीदों के परिवारजन देश के लिए सम्मान का विषय है। तकनीकी कारण कुछ हो सकता है, लेकिन मात्र तकनीकी कारण के आधार पर वीरांगनाओं को, जिन्होंने अपने सुहाग को भारत माता की वेदी पर कुर्बान किया है, उनको मिलने से भी इनकार कर देना, मिलने के लिए आने पर उनका अपमान करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके कपड़े फाड़ करके सड़क पर घसीटना, घसीटने के बाद में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने पर बात करने के बजाय रात के अंधेरे में उन्हें उठा करके नज़रबंद कर देना, किसी से मिलने की अनुमति न प्रदान करना, और आचरण न केवल व्यथित करता है, दुखी करता है, पीड़ित करता है, अपितु जनता को आक्रोशित भी करता है। जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का दुर्व्यवहार, तानाशाही पूर्ण रवैया, प्रदेश की सरकार ने ऐसी वीरांगनाओं के लिए आवाज़ उठाने के वालों के ऊपर किया है, जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके साथ में व्यवहार किया है, हर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को पुलिस की ताकत पर दबाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट उनकी अपनी कुर्सी के निरंतर डगमगाने के कारण से है, पार्टी में और पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी इस तरह के हर विरोधी आवाज़ को इस तरह दमन के साथ में कुचलने की वर्तमान सरकार और उनके मुखिया की आदत बन चुकी है।